पंजाब में कांग्रेस की कला समाप्त होते दिख रही है। पार्टी हाईकमान की सख्ती के बाद सीएम अमरिंदर सिंह के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कैप्टन और खिलाड़ी के बीच की ये लड़ाई अब थमती दिख रही है। पार्टी में सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी यानी उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो कैसे निकली पंजाब कांग्रेस में समझौते की राह, देखिए ये रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि अमरिंदर सिंह की आपत्तियों के बावजूद उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलना तय हो गई है। दूसरी ओर अमरिंदर सिंह ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली है। उनकी ओर से बयान जरूर दिया गया है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला लेंगी उसे वो स्वीकार करेंगे। अमरिंदर सिंह के बयान अचानक कैसे बदल गए, ये सवाल जरूर बना हुआ है। कल सोनिया गांधी को पंजाब के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप न करने की सलाह देने वाले अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी के हर आदेश का पालन करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर नाराजगी जरूर जताई, लेकिन ये साफ कर दिया कि यदि पार्टी आलाकमान ने ये निर्णय ले लिया है तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी के फैसले को स्वीकार करेगा, लेकिन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उनके खिलाफ की गई सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर जरूर नाराजगी दिखाई है। अमरिंदर ने ये साफ कर दिया कि जब तक सिद्धू अपने बयानों को लेकर खेद नहीं जताएंगे वो सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। कैप्टन के नरम पड़ते तेवरों के बीच सिद्धू समर्थकों ने जश्न की तैयारी भी कर ली है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सुबह नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के चीफ सुनील जाखड़ से मिले। सुनील जाखड़ पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमान का आदेश मिलते ही वो इस्तीफा दे देंगे। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने अमरिंदर और सिद्धू को मनाने के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर ही पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे, जबकि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे जिसमें एक दलित और एक गैर सिख शामिल होगा। कुलजीत नागर और गिलजिया दो नाम लगभग तय हैं, बाकी दो नामों पर फैसला होना बाकी है। लाइव की